P4O8 का स्ट्रक्चर बनाना है, P4O8 आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है ना। P4O10 का मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ड्रॉ भी करवाया था, P4O10 का, और P4O6 भी आपको ड्रॉ करने के लिए दिया था, तो होपफुली आप लोगों ने ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना लिया था P4O10 वाला, P4O8 और P4O6 ने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स वर्कर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके दोनों स्ट्रक्चर्स अभी आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ कि P4O8 और P4O6 कैसे बनाना होगा। देखो लास्ट कंडीशन में आप लोगों को ये सिखाया था कि अगर हम लोगों के पास में AMBN टाइप का मॉलिक्यूल है, AMBN टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है, और अगर जो M है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, N इज ग्रेटर देन M, ये कंडीशन था कुछ कि N अगर M से बड़ा है, M जो है वो 3 या 3 के इक्वल है, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी, वो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रीफॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, लोग इसका फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो। ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं आपको ये भी बताया था कि ये जो कंडीशन हम लोग लगाएंगे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लगाते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक में ये वाला रूल काम नहीं करता, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये वाला रूल काम करता है, ठीक है। तो P4O8 हम लोगों के पास में है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, ऐसे कुछ कनेक्ट करेंगे हम, है ना, ऐसे आप लोगों को मैं बताया था पहले आपको ये करने। अभी देखो फॉस्फोरस को हम लोग कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेते, ऑक्सीजन कितना 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, अब समझना ठीक है। अभी कितना बचा हुआ, 4 बचा हुआ, अगर मैं 4 को यहाँ पे एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ, एक एक को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दू, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में, ये डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला यहाँ। अगर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या हुआ, देखिए इस फॉस्फोरस का कोवेलेंसी कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, 2, 3, 4 डाल रहे, यानी फॉस्फोरस ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 बनाया हुआ है, इसके पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्साइड स्टेट में जाके, 5। अब इसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, सबके पास में क्या बचेगा, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये वाला कैसा होगा, अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन को तो पेयर की फॉर्म में बचना चाहिए, है ना, अगर मॉलिक्यूल बनता तो इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली फॉर्म में बचना चाहिए, पेयर की फॉर्म में बचना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा मिल गया लोगों को, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो लोग 4 बॉन्ड तो नहीं बनाने वाले। देखो यहाँ से एक और मैं अच्छी बात आपको बता दूं कि आपको मैं पीछे वाले लेक्चर्स में मैक्सिमम कोवेलेंसी सिखाया था कैसे वो निकालते हैं, है ना, उससे कम तो वो शो कर सकते हैं, तो आप इतना याद रखें कि जिन ग्रुप का नंबर इवन, ग्रुप इवन नंबर है, कुछ ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं जिनका नंबर इवन है, तो जो उनका कोवेलेंसी होता है वो भी इवन नंबर ही होता है, कोवेलेंसी कैसा नंबर होता है, उनका इवन नंबर, समझाने में क्या बोल रहा हूँ, जिन ग्रुप का नंबर इवन है उनका कोवेलेंसी इवन नंबर में शो करता है, अगर वो कोवेलेंसी इवन नंबर में शो करेगा ना तो उसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और जिन ग्रुप का ग्रुप का नंबर ऑड है उनका कोवेलेंसी भी कैसा होता है, कोवेलेंसी इज आल्सो, उनका कोवेलेंसी भी ऑड ही होता है, कोवेलेंसी ऑड होने से क्या होगा, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास किसी भी कंडीशन में बचना नहीं चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन कैसा रहे, पेयर की फॉर्म में आए। अब देखो ये वाला कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे ग्रुप नंबर इवन नंबर कौन सा है, 2, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 18, ये इवन नंबर वाले हो गए, तो इनका कोवेलेंसी तो 0 रहेगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे शो करेंगे, है ना। अगर ऑड नंबर जैसे हम लोगों के पास 1 है, ग्रुप नंबर 13 है, 15 है और 17, ये ग्रुप है, तो इनका कोवेलेंसी 0, 1, 3, 5, 7, ये नंबर्स में होगा, समझ आ रहा है आपको, इनका ग्रुप नंबर इवन है उनका कोवेलेंसी इवन, इनका ऑड उनका कोवेलेंसी ऑड, तो ये फास्फोरस कौन सा वाले ग्रुप को बिलोंग करता है, 15 को, या 4 बॉन्ड बना लिया दिक्कत होगी, या कितना बना गया तो 3 बनाना चाहिए या 5, इसका कोवेलेंसी कैसा रहेगा, हमेशा ऑड नंबर में रहे, समझ आ रहा है आपको, काफी अच्छा ट्रिक है ये समझने के लिए, ठीक है। तो ये फास्फोरस जो है वो 15 ग्रुप का है, तो 3 बनाना चाहिए या 5, तो 5 तो आप लोग बना नहीं पा रहे, 4 आपने बना के दिक्कत होगा, तो आप लोग क्या कोशिश करोगे, 3 बनाए या 5 बनाए, ऐसा आपको कुछ करना,
तीन और पांच बनाने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो ये फॉस्फोरस को मैं ऐसे रहने दिया, कौन में आ रहा है ये फॉस्फोरस को, मैं इन यहां से मैं ऑक्सीजन को हटा दिया। अभी देखो उन लोगों के पास में कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है सोचो, इसका भी चार बॉन्ड बना हुआ है, इसका चार, इसका दो, इसका दो, तो मेरे पास दो ऑक्सीजन बचा हुआ है अभी भी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक एक ऑक्सीजन को दोनों दो फॉस्फोरस से कनेक्ट कर दूं, ऐसा कर सकता हूँ ना, समझ आ रहे? अभी क्या हो गया, ये वाले फॉस्फोरस का कोवेलेंसी 5 हो गया, ये वाले फॉस्फोरस का कोवेलेंसी 3 हो गया, ये वाले फॉस्फोरस का 5 हो गया, ये वाले का 3 हो गया। अभी ठीक है, कोवेलेंसी कैसा होना चाहिए ऑड नंबर में, क्यों? क्योंकि उसके पास अनफिट इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, 15th ग्रुप का एलिमेंट है इस वजह से। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या बनाया होगा, ठीक है? ये मैं आपको पीछे वाले लेक्चर में समझा दिया था कि मैं इसको यहाँ से ऐसे रिंग तो नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ जो रिंग बनता है वो 4 मेंबर रिंग बनता है। पीछे लेक्चर में P4 टाइम का जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो वहां पर भी आपको ये वाला टर्म समझाया था, है ना? तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 मेंबर रिंग, मैं आपको एक रूल बताया था कि 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग आप बनाने से बचेंगे, क्यों? क्योंकि दे आर अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, वो एंगल स्ट्रेन होता है इस वजह से, कैसा होता है वो, अनस्टेबल रहता है, समझ आ रहा चीज़ें? चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको सॉल्व में आ रहा है कौन से वाले ग्रुप का कोवेलेंसी कैसा रहेगा, P4O8 हो गया, अपने बनाता हूँ P4O6, ये आसान हो जाएगा। P4O6 आप लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक फॉस्फोरस लेंगे, ऑक्सीजन, फिर से फॉस्फोरस, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे कनेक्ट करने वाले ना सभी को। अभी कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, चार को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, दो बचा हुआ है, अब दो बचा हुआ है सही फॉस्फोरस का कोवेलेंसी कितना है, 2, तो एक एक और बढ़ा सकते हैं हम लोग, एक एक और बढ़ा सकते, ये बन जाएगा P4O6, ठीक है, समझ आ रहे हैं? चलिए, क्योंकि अब देखो सभी का इसका कोवेलेंसी 3, इसका कोवेलेंसी 3, सभी का कोवेलेंसी 3 है, कोवेलेंसी 0, 1, 3, 5, 7 का ऑर्डर में आप लोग चल सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, इन केस ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट। अब आपको ये भी पता है ये सब 15th ग्रुप एलिमेंट है तो वो 7 तो शो करेगा नहीं, 13th है वो 5 नहीं शो करेगा, फर्स्ट वाला है वो 3 शो नहीं करेगा, 1 ही शो करता 0 का, है ना? तो मैक्सिमम कोवेलेंसी आपको सिखा ही दिया, आपको ऑड नंबर वाले का ऑड नंबर में कोवेलेंसी लेना है और इवन वाले का इवन का, ठीक है? चलिए, आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या रहता है और कैसे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, है ना, ये सीखा था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और लोग कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, उसके लिए कुछ रूल्स आपको सिखाया हूं। अभी हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, क्या कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है इसका, एनी वन ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग पढ़े है ना, देखो कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक और टर्म मैं आपको सिखाया था वो था कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, शेयरिंग था म्यूचुअल, शेयरिंग कैसा था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बार बार बोल रहा था मैं, ऐसा बॉन्ड जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या था, म्यूचुअल बॉन्ड का मतलब क्या बताया आपको, इक्वल शेयरिंग, जहां पे कैसा शेयरिंग होता है, इक्वल है ना, बराबर का शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा होता था कि एक एटम ए होता था, एक एटम बी होता था, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ उसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, बी का था, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एटम को बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बी एटम का हो गया। अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होता है, डबल बॉन्ड बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन ए एटम का हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बी एटम का हो जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था दैट बिलोंग टू बोथ एटम्स, दोनों एटम को बिलोंग करता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगा, ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले, इन विच, ऐसा बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बोथ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिलोंग्स टू द सेम एटम, बिलोंग्स टू द सेम एटम,
डेफिनेशन क्या हो गया, ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को बिलोंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बिलोंग्स टू द सेम एटम, ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम को बिलोंग करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को बिलोंग करते हैं, तो ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को बिलोंग करेंगे उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। समझने के लिए आपको वैसे समझेंगे, देखो अगर ए एटम है और एक बी एटम है, भाई एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन उसके लिए चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसका होगा, ए का, एक बॉन्ड ऐसा बनेगा दो इलेक्ट्रॉन ए का हो, या फिर क्या हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन किसका रहा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बी का रहा होगा। क्या बोल रहा हूँ, एक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, एक ही एटम का हो गया। अब देखो अगर ए का होगा तो हम लोग एक ही तरफ से बी की तरफ एरो लगाएंगे, ऐसा ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर बी का होगा तो बी से एरो लगाते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको एक सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला एरो, ये एरो हमेशा उस एटम से अवे की तरफ बनाते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन से अवे की तरफ लगाते हैं कि उसने डोनेट किया अपना कितना ऑक्सीजन आइटम है, तीन ऑक्सीजन आइटम, ठीक है, आप जो टेंथ में कॉन्सेप्ट पढ़ गए होंगे ना उसके बेस पे समझाता हूँ मैं इसको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाले ऑक्सीजन के पास में भी क्या होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले ऑक्सीजन के पास में भी क्या होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अच्छा ये वाले ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये वाले ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी दो चाहिए, समझना अच्छे। अच्छा जो सेंटर में ऑक्सीजन रखा हुआ ये वाला, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी तो दो ही चाहिए ना, क्या करेगा किसी एक ऑक्सीजन एटम से ले लेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड, बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन का और दो इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन का, लेकिन इधर देखो इधर इधर क्या हो रहा है, सिर्फ इसी यही वाला दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नो सर, इसका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो यहाँ कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे बॉन्ड बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, O3 का स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं कि O3 कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, समझ आ रहा है सभी को, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, एक ही एटम का, ठीक है। और भी एग्जांपल में ले लो, जैसे मेरे पास में क्या होता, N2O लेते हैं हम लोग, N2, ठीक है, N2O हम लोगों के पास N2O मॉलिक्यूल है, N2O, ठीक है, N2 में क्या होगा, N हम लोगों के पास में एक दूसरा N और एक ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 हो गया, नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5 होता है, इसके पास में भी कितना होगा, 5 होगा, समझ आ रहा है आपको, इसके पास में क्या होगा, 5 होगा, इस वाले नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, 6 तो है, 2 ही तो चाहिए ना, नाइट्रोजन के पास 5 तो है, 3 चाहिएगा ना बस। अभी सेंटर में जो नाइट्रोजन है उसको कितना चाहिए, इसके पास ही 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए, इसको 3 चाहिए, जिसको 3 दिया था उसी चलेगा, यहाँ देखो यहाँ कौन सा वाला बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन का तो कर नहीं रहा, यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कैसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में आ रहा है आपको, N ट्रिपल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा हो गया, जिस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, एक ही एटम, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के और भी नाम है, मैं लिखूंगा अभी, ये आपको चार पीस पे समझाऊंगा, ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से, देखिए इसमें होता क्या, एक बात और,
ये देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऐसा हो गया ना। पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, तो कैसा ही हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का। तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। एक दोनों इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरा खुद का हो गया, और एक किसके लिए दे दिया, ऑक्सीजन के लिए, ऐसे होगा ना। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव आता है, आप लोग ऐसे भी समझते हैं, जो गेन करता है उसमें कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज, ऐसे होगा। और इसका फॉर्मल चार्ज आप लोग कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आता है। आपको पीछे वाले लेक्चर में भी समझाया होगा कि अगर आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाते, इसको सिंगल बॉन्ड से शो कर रहे होते तो कैसे करते, कोवेलेंसी इंक्रीज करना डिक्रीज करना सिखाया था ना, तो याद है आप लोगों को सबसे पहला लेक्चर, कैसे कोवेलेंसी को इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, वो सिखाया था उसमें, ठीक है। चलिए ऐसे यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, इसमें मिलेगा नेगेटिव चार्ज। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से थोड़ा सा आयोनिक नेचर आता है मॉलिक्यूल के, थोड़ा सा आयोनिक नेचर, आयोनिक में ही चार्ज जनरेट होता है ना, कोवेलेंट में तो चार्ज जनरेट नहीं होता। चार्ज किस में जनरेट होता है, आयोनिक बॉन्ड में, पॉजिटिव कटायन अनायन कौन से वाले बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, आयोनिक बॉन्ड का। या फिर कटायन अनायन कौन से वाले बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, आयोनिक बॉन्ड का। तो नली क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के बीच में बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डोनेट करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब क्या हो गया, जो डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या हो गया, जो गेन कर सके, वही कंडीशन है ना, एक डोनेट करेगा दूसरा गेन करेगा। डोनेट करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, गेन करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ आ रहा है आपको। तो इसी वजह से इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लोग कोआयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, कोआयोनिक बॉन्ड। इसको एक और नाम भी, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, DATIV, डेटिव बॉन्ड, इसको कोआयोनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल्स देता हूं, आपको और समझाता हूं इसको अच्छे से, फिर बता देता हूं। देखिए जैसे हम लोगों के पास में H3O+ होता, H3O+, H3O+ में भी क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। H3O+ में क्या रहेगा, हम लोगों के पास एक ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लेंगे ना आप लोग, एक हाइड्रोजन के पास चार्ज कहता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, अभी कितना बचा, कुछ नहीं बचा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक होता है, इसके पास कितने होते हैं, इसके पास सिक्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स, ठीक है। अच्छा जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको भी एक चाहिए, समझ आ रहा है। ये वाले एच प्लस को कितना चाहिए, इसको दो चाहिएगा, इसको कितना चाहिएगा दो, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है। हाइड्रोजन कौन सा वाला रूल फॉलो करता है, ड्यूप्लेट रूल, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, अभी ऑक्सीजन को दो चाहिए, तो इसको तो इसके पास तो है नहीं, किससे देगा, ये वाले और हाइड्रोजन से, और ये वाले हाइड्रोजन से। यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन का। अभी देखो ये पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, डोनेट किसने किया, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। गेन किसने किया, हाइड्रोजन, चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैसा हो गया, न्यूट्रल। H3O+ हम लोग बनाएंगे, H3O+ तो O, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ देखिएगा आपको, समझ में आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको सिंगल बॉन्ड भी आप लोग बोलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज सिंगल बॉन्ड, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन की बात में
ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लोग सिर्फ ऐसे देखते हैं कि कौन सा वाला सिंगल है कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहा, कोई फर्क नहीं रहता दोनों, दोनों बिल्कुल एक जैसा, समझ आ रहे हैं आपको। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल से, जैसे मैं यहां पे सिंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, ओ थ्री में आप लोग पढ़ेंगे तो कैसा देखा जाएगा, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने विद थर्मल चार्ज। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंगल बॉन्ड देकर पीछे आपको सिखा दिया हूं, आपको मैं सिखा दिया हूं कि अगर आपको H3O+ बनाना होता तो आपको बोलता कि ओ एच एच पॉजिटिव चार्ज आपको देना है, तो पॉजिटिव आप सबसे पहले किसको देते हैं, हाइड्रोजन को देते, लेकिन हाइड्रोजन को देने से क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी सैचुरेट कर गया। पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन आपने छोड़ा ही नहीं पॉजिटिव देखे, तो क्या बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्या तो आप लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की भाषा में समझ लो, जो मैं पीछे पढ़ाया वो वाली भाषा में समझ लो, जैसे आप समझना चाहें, दोनों अलग अलग तरीके हो गए लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही निकल गया है, दोनों यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे, तो यही कह रहे हैं कि यहाँ वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव देना पड़ेगा। आप कोऑर्डिनेट बना के पढ़ लो या फिर जो पीछे रूल पढ़ाया हो उस रूल से पढ़ लो, समझ में आ रहा है। तो जो पीछे रूल से कह रहा हूँ दो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग सीखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, अगर एक बार उसको अच्छे से पढ़े लेना तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लोग बनाते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एटम्स के बीच में बनता है, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है दैट कैन बी फाउंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। पर इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि एक तो चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, एक एटम कैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ऐसे ना। और एक एटम कैसा चाहिए, लोगों को एक स्पीसी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक कैसा चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का उसके पास कमी होना चाहिए, अब बोले तो पुअर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, और एक ऐसा चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो डोनेट करने के लिए तैयार, तो ऐसा चाहिए ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास NH3 है, NH3 और अगर मैं लिखा हुआ तो BF3, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है NH3 प्लस BF3। देखो NH3 आप लोग देखेंगे N होता है, यहाँ पे एक H होता है, एक H यहाँ बनाएंगे आप, एक H यहाँ बनाएंगे, क्या बच गया, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बच गया, ये सर वो सर, समझ आ रहा है ना आपको। BF3 को देखेंगे तो B होता है, यहाँ पे एक F हो गया, यहाँ पे एक F हो गया, यहाँ पे एक F हो गया। अभी देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, एक दो तीन बॉन्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए छह, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया कि नहीं रहेगा, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसको 8 चाहिए ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इसके पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर सकता है, डोनेट कर देगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी तो इनहिबिशन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हो। दो मॉलिक्यूल भी कन्फर्मेशन कर सकते हैं, आयंस के बीच में भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, एक एटम एक स्पीसीज कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, दूसरा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेट करने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को बिलोंग करेगा, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग करता है, एक ही एटम को। देखो एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आप लोगों ने CO का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है CO, मतलब पीछे वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाओ, आपको पढ़ा है CO ऑक्सीजन कितना बनाएगा, दो, कार्बन कितना बनाता है, कार्बन बनाएगा चार, ऑक्सीजन कितना बनाएगा, दो, कार्बन बनाएगा चार, ऐसे ही। अब कार्बन बोलेगा भाई मेरा तो काम चल रहा है उससे बॉन्ड फॉर्मेशन करके, ऐसे बोलेगा, बोलेगा भाई ऑक्सीजन तेरे से बॉन्ड फॉर्मेशन तो मैंने कर लिया लेकिन मैं तो स्टेबल नहीं हूँ, तू तो हो गया, तुझे तो दो ही चाहिए तो तूने ले लिया मुझसे, लेकिन तू तो देने से मना कर रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो इसका तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा ना, समझ आ रहा है आपको। अब क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा, कार्बन बोलेगा दो बॉन्ड और बनाना है मुझे, तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई ऐसा कर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूंगा, थोड़ा सा तू कर ले, थोड़ा सा कोवेलेंस में बढ़ाता हूं, थोड़ा सा तू अपने आप को घटा ले। तो ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे आप लोग, पॉजिटिव देंगे, कार्बन का कैसे घटाएंगे, नेगेटिव देंगे, बनेगा तीसरा बॉन्ड,
अब ऐसे भी सीओ को बना सकते हैं विद फॉर्मल चार्ज, समझ आ रहा है ना। और एक और तरीका क्या सीओ को बनाने का, एक तरीका ये कि कार्बन लो ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छे से समझना, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, दे दिया ऑक्सीजन ने, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक सिंगल बॉन्ड, एक इधर दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड तो बन गया कंप्लीट वाला, समझ आ रहा है आपको, दो बॉन्ड तो बन गया कंप्लीट वाला। अभी देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसका चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने डोनेट किया, इस पे आएगा नेगेटिव, वही तो समझा रहा हूँ, इसको ऐसे बना लो सी डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बात तो एक ही है, कोऑर्डिनेट को सिंगल से भी सौंपा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी ऐसे आप बना सकते हैं, दो तरीके हो गए आपके पास बनाने के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन भी आपको आ गया अच्छे से, तो समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट टर्म, आपको बॉन्ड सामने आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, उसको कोआयोनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक एटम मोनेट का था, दूसरा अगेन का था, थोड़ा सा आयोनिक नेचर आ जाता है, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है, एब्सिन फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इट इज द चार्ज, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन on a particular atom, on a particular atom within molecule, within the molecule, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, it is a charge present on a particular atom, किसी एक particular atom पे molecule के अंदर कितना charge है, atom पे कितना charge है within molecule, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, formal charge को। फॉर्मल चार्ज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वैसे आपने अगर कोवेलेंसी सही से पढ़ा तो आपको निकालने का ये फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं होगा, आपको डायरेक्टली वो मिल ही जाता है कोवेलेंसी इंक्रीज डिक्रीज करके, लेकिन अगर आपको नहीं आता आप गोले खींच के बनाना जानते हैं स्ट्रक्चर्स, जो मैं भी बना रहा था जिसमें आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया हो, तो वहां आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, USD मतलब unshared electrons, ठीक है ना, which are not shared, lone pair of electrons में बोल सकता हूँ, lone pair समझते हैं, जो बचा हुआ electron होता है उसी को बोलते हैं, minus 1 upon 2 shared electrons, आप लोग लिख सकते हैं minus का 1 upon 2 shared electrons, ठीक है, ये क्या हो गया, जो bonding में participate कर गया, shared electrons, ठीक है, अच्छा जो shared electrons है 1 upon 2 कर देगा, आप सोच के देखो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया तो 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बचा, अच्छा दो, दो तो बॉन्ड हो गया ना, पर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको दो से डिवाइड करो, तो एक्चुअल में क्या हो गया, बॉन्ड ही निकालने की बात हो गई ना, तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितना बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मूला आप लोग लगा के क्या निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के लोग फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास में O3 मॉलिक्यूल है, समझ लो O3 मॉलिक्यूल का निकालते हैं पहले, O डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो ऐसा रहता है O3 मॉलिक्यूल, O डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, इस वाले ऑक्सीजन में भी देखा हो तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, एक पेयर बचा था यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट यही नहीं था तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते, 4 बचते, ऐसे दिखते हैं O3 मॉलिक्यूल, मान लो ये वाला एटम, ये वाला फर्स्ट ऑक्सीजन, ये वाला सेकंड ऑक्सीजन, ये वाला थर्ड ऑक्सीजन है, आपको तीन ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज क्या है वो समझ आता है ना आपको, किसी पर्टिकुलर एटम पे, ये वाले एटम पे कितना चार्ज है, ये वाले एटम पे कितना चार्ज है, ये वाले एटम पे कितना चार्ज है,
वो क्या होगा उसका फॉर्मल चार्ज होता है, वो क्या होता है उसका फॉर्मल चार्ज है ना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर एटम्स पे चार्ज होता है, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव, सबका मिला के जीरो हो गया, ऐसा हो सकता है। तो CO में देख लेते हैं हम लोग, CO में कार्बन पे नेगेटिव था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, दोनों मिला के जीरो हो गया। N2 में देख लेते हैं नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, दोनों मिला के जीरो हो गया। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी पार्टिकुलर एटम पे विद इन द मॉलिक्यूल कितना चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 हो गया हम लोगों के पास में। आपको निकालना हो फॉर्मल चार्ज किस पे, फॉर्मल चार्ज पहले वाले ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 1 पे। किस पे निकालना है, पहले वाले ऑक्सीजन पे। हम लोग क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है 6 बचा हुआ है, कितना बॉन्ड बनाया इसने 1 बनाया, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -1। समझ आ रहा है ना सभी को, फॉर्मल चार्ज कितना आ गया इस पर निकल के -1। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किस पे, ऑक्सीजन दूसरे वाले पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितना होता 6 माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 2 माइनस, कितना बॉन्ड बनाया देखो 2 तो इधर 1 इधर, टोटल बॉन्ड कितना होगा 3, सॉल्व करो +1। सेकंड ऑक्सीजन पर कितना आएगा फॉर्मल चार्ज +1। थर्ड ऑक्सीजन पर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 पे, ये निकाले तो ऑक्सीजन 2 पे, ये निकाले ऑक्सीजन 1 पे। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कितना बचा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, माइनस बॉन्ड कितना बनाया इसने 2, सब कुछ मिला के 0 आ गया। तो विद फॉर्मल चार्ज आप लोग O3 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव। तीन तरीके से आपको समझा चुका हूं मैं कैसे लिखना है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। थर्ड वे हो गया इसका, हम लोगों को कैसे इसमें चार्ज को रिप्रेजेंट करना है। आप या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में समझ लो कि एक एटम डोनेट कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, उसके हिसाब से चार्ज लिख दो, या फिर हम लोग कोवेलेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करा के देख लो, अगर वहां से भी समझ नहीं आता तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो। तीसरा टर्म हो गया फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने वाला, हम लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास में N2 है, N2 में निकालते हैं। N2 कैसा था, N था हम लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचता था, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे, 3 लोन पेयर था। ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन 1, ये नाइट्रोजन 2, मैंने भी कर दिया इसको। आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे, पहले से इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 6, बॉन्ड कितना बनाया इसने, कितना बॉन्ड बन रहा है इसका, एक ही तो बन रहा है, तो 1 रख दो, कितना आएगा -1। अब इस नाइट्रोजन पर निकालो फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन 1 पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होता है, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ से ना, आउटर मोस्ट साइड का इलेक्ट्रॉन, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे सर ये तो आप लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ते आ रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट साइड का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितना होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लॉन पे कितना, इसका कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या इसमें, नहीं बच रहा, कितना बन रहा है 3 इधर 1 इधर, बॉन्ड कितना बनाया 4, फॉर्मल चार्ज कितना हो गया +1। अगर आपको निकालना हो फॉर्मल चार्ज किस पे, नाइट्रोजन 2 पे, दूसरे वाले नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन सेकंड पे, सेकंड लिखे तो और बेटर है ना, नाइट्रोजन सेकंड पे निकाल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना उसके पास 5, कितना बचा हुआ है इधर 2, कितना बॉन्ड बनाया इस वाले नाइट्रोजन 3, मिला के कितना हो गया 0, आपको मिल गया फॉर्मल चार्ज। आपको अगर नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करना है N2O को विद फॉर्मल चार्ज क्या लिखेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस विद फॉर्मल चार्ज, ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के भी समझाया था, और ऐसा ही आपको एक और तरीके से भी समझाया था आपको वैलेंसी निकाल के। आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना, क्या होता है, कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, क्या होता है, ठीक है, ये सारे टर्म आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे, हम आज का क्लास यहीं तक रखेंगे,
नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है वह थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं क्या मुझे पढ़ाना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल हम डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। और इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी, वीवीटी के साथ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने सिर्फ एक तरीका सीखा होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, मैं कम से कम चार तरीके आपको बताऊंगा, कम से कम चार तरीके आपको सिखाऊंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, जो आपको पसंद आए उससे निकालो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे भी ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको विदाउट स्ट्रक्चर, हम लोगों को देखो स्ट्रक्चर बना के लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर निकाला जाए ना, आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी नहीं आता ना तो भी आप लोग लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर निकाल पाएंगे। हमको ऐसे ही फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।